अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करूंगी हर घर में हर कोई बनाने वाले गोल गोल रोटियां। ये रोटियां ठंडी होने के बाद भी उतनी ही सॉफ्ट रहेगी जितनी कि गर्म होने के वक्त होती है। बहुत सारे लोग परेशान में रहते हैं कि उनकी रोटियां ठंडे होने के बाद सख्त हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्यों आती है, ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और बहुत सारे लोगों को गोल रोटी बनाना नहीं आता। गोल रोटी बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगी। आटा चाहिए, मैंने यहाँ पे 4 कप आटा लिया है। जिस कप से मैंने आटा लिया है हमें उसी कप से पानी को मेजर करके लेना है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से पानी लेना है, वो भी 2 कप। आप लोग बेझिझक बिना डरे 2 कप पानी, किसी भी ब्रांड का आटा होने दो, आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है। मैं हैंड मिक्सर के थ्रू कर रही हूँ, हाथ से भी आप लोग कर सकते हो। ये हैंड मिक्सर आधा ही काम करता है। गूंदना तो मैं मेरे हाथ से ही कर रही हूँ। इसे पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ से गूंद लीजिए। जो पानी हमने लिया है आटा गूंदने के लिए, उसे हमारा आटे का डव जो है ना ही घट ना ही पतला, यानी कि मीडियम होने वाला है। हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से गूंदना है। दूसरा पॉइंट जो है, आटा गूंदने के बाद कम से कम 20 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ना है। ढक्कन ढक के 20 मिनट के लिए बाजू में रख दीजिए। फिर इसके बाद और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से गूंदना है। आप देख सकते हो आटे की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो गई है, स्टिकी नहीं है या तो फिर घट भी नहीं है। हमने इसमें कतई तेल भी ऐड नहीं किया है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए ये परफेक्ट रोटियां हैं। अब इस आटे को हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। स्मॉल, लार्ज, मीडियम, जो साइज चाहे आप उसे बना सकते हो। मैं यहाँ पे लार्ज बना रही हूँ, आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये वाला स्टेप फॉलो कीजिए, इससे आपको रोटी बहुत ही गोल बनेगी और इस रोटी में 3 लेयर्स आएंगे। रोटी बेलने के वक्त आटा डस्टिंग के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग को जितना आटा आप लेंगे रोटी उतना अच्छा खिसकेगी और राउंड शेप में आएगी और पतली भी बनेगी। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आटा ऐसा करके उलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से बेल लीजिए। जो एक्सेस आटा डस्टिंग का है, पूरी रोटी बेलने के बाद एक हाथ से दूसरे हाथ पे या दूसरे हाथ से फिर इस हाथ से पलटते हुए हमें निकाल देना है। मैं जैसे बता रही हूँ उस तरीके से। अब लेके जाके तवे पे डालना है। तवा एकदम गर्म होना चाहिए। 30 से 40 सेकेंड तक एक साइड सेक लीजिए रोटी को, फिर पलटना है। देख सकते हो आप डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से करके हमें रोटी सेक लेना है। अगर बिना तेल के आप सेकें तो दूसरी रोटी सेकने के वक्त तवा एक बार कपड़े से साफ पोछ लेना है, वरना दूसरी रोटी जो है इमीडिएटली दाग लग जाएगी। अब दूसरी रोटी जो है मैं आपको तेल लगा के कैसे सेकना है बताती हूँ। पूरी रोटी पकने तक हमें वेट नहीं करना है। ज़र्रा से इस पे ब्राउन स्पॉट्स आते कि हमें इस पे तेल डाल देना है। इसके बाद जो है और एक साइड पलट के डाल के फिर इसे निकाल देना है। इस वक्त हमें तवे को पोछने की ज़रूरी नहीं है। अभी जो बिगिनर्स हैं उन्हें किस वक्त रोटी पलटना है उन्हें पता नहीं होता, तो मैं बताती हूँ। आप देख सकते हो एक तरफ से छींटे नज़र आ रहे हैं, उस वक्त आपको रोटी पलट लेना है। मैं यहाँ आपको 2 तरीके के रोटियाँ बिना तेल के और तेल के कैसे सेकना है बता दिया है। अब ये रोटी हमारी सॉफ्ट कैसे रहेगी तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम रोटी बनाएं उसे खुला नहीं छोड़ना है, अगर आप खुला छोड़ेंगे ये सख्त हो जाएगी। जैसे आप बनाएं इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर या तो फिर नरम कपड़े में डाल के इसको लिपट के रखना है, या तो फिर डब्बे में डाले तो ढक्कन ढक कर रखना है। इससे हमारे रोटियां जो है मॉइस्चर रहेंगे, ठंडे होने के बाद भी
उतनी ही नरम रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि बताए गए टिप्स ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।